मनुष्य जीवन में जो वासना की पोटली का निवारण कर ले, पापों की पोटली को भंग कर दे और जो बुराइयों की पोटली को फेंक दे, उसके चरणों की मैं बंदगी करता हूं और उसको मैं दादाजी कहता हूं, बाप कहता हूं, उसको मैं प्रणाम करता हूं, जो इस मनुष्य जीवन में अपना पाप ताप संताप त्रेताप श्राप सब काट करके और मोक्ष को प्राप्त कर ले, उसके चरणों की बंदगी करता। ये कबीर साहब। दादा भाई बाप के लेखो। अरे तुम अपने भाई को भाई नहीं कहना चाहते हो, बोलते हम भाई नहीं मानते। अरे तेरे मानने से थोड़े होता, वो भाई है तो है, मानने से क्या होता। अब तुम कह दो घोड़ा को हम घोड़ा नहीं मानते, इसको हम चींटी मानते, तो जाओ उसके पड़ोस दो लात मारे का पता चल जाएगा। तुम्हारे मानने से मनमानी काम हो सकता है। जो भाई है तो है, बाप है। अब कह दो हम बाप वाप नहीं मानते। अरे तो क्या आकाश से टपक है, तुम मानते नहीं, तुम्हारा घमंड बोल रहा है, बिना विवेक की बात करते हो, ऐसे मत बोलना कभी, चुपचाप वापस लौटो यहां से। हाँ, कितने लोग ऐसे घमंड में बात करते कि हम अम्मा उम्मा कुछ नहीं मानते। अच्छा तुम क्या मानते, तुम भैंस को मानते, अम्मा को नहीं मानते, दारू खूब मानते, दारू बीड़ी और बिमल गुटका खूब खाए गलबलाते। कबीर साहब कहते मेरा दादा जो होगा सो होगा, लेकिन मैं अपने दादा को भी दादा मानता हूँ, मेरा बाप भी मेरा बाप है, और लेकिन मैं सारी दुनिया के लोगों को दादाजी की तरह मानता हूँ। मेरे बाप, मेरे दादा और मेरे भाई साहब, अगर इस पाप की पुड़िया का निवारण कर लो, वासना की पुड़िया को भंग कर दो, तो मैं आपके चरणों की बंदगी करता हूं और तुमको धन्यवाद देता हूं, मैं आपके चरण छूकर प्रणाम करता हूं। ये कबीर साहब का ज्ञान। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। कबीर साहब को गहराई से पढ़ो, देखो क्या है। कितने लोग पढ़ते नहीं हैं और कहते हैं तुम कौन हो, तो बोल दे अगर कबीर बंदे, अरे अरे मुंह क्यों हट रहे हो, क्या हो गया। अरे कबीर पंथी का मतलब क्या होता है, कबीर पंथी का मतलब होता है काम आने काया और वीर माने वीर तत्व आत्मा। इस काया के भीतर छिपे हुए वीर तत्व आत्मा की पहचान करने वाला ही कबीर पंथी कहलाता है, जो आत्म मार्ग पर चलता है, आध्यात्मिक पथ पर चलता वो कबीर पंथी है। जो वीरता के साथ कलंक के कार्यों को कभी नहीं करता है, काम आने कलंक और वीर माने वीरता, कलंक के पथ पर जो कदम नहीं उठाता है और वीरता से सच्चाई की राह पर चलता है, उस महान संत का नाम कबीर साहब है। आप सोचते होगे गुरुदेव भी थके नहीं, फिर से दम भर रही क्या बात, हम थकते इसलिए नहीं है, इसलिए नहीं थकते हैं, किसलिए नहीं थकते हैं, जिसलिए नहीं थकते उसलिए नहीं थकते, नहीं थकते और क्या। साहिब बंदगी साहिब, तुम्हें देख कर के ये ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता दर्श दे रहा है। गाइए, तुम्हें देख कर के ये ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता दर्श दे रहा है। कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी
की पूजा तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही राम मेरे कहिए राम प्रकाश कन्हैया तुम ही हो, जीवन के नैया के खेवैया तुम ही हो, तुम ही राम मेरे कन्हैया तुम ही हो, जीवन के नैया के खेवैया तुम ही हो, खेवैया तुम ही हो। सदगुरु भगवान की जय, संत भगवान की जय, भक्त भगवान की जय। विनम्रता तुम्हारा आभूषण है, सरलता तुम्हारी शान है, सभ्यता तुम्हारी पहचान है, शालीनता तुम्हारे पूर्वजों की पहचान है। ये तुम्हारे पूर्वज कैसे थे, शालीन व्यवहार, उदंडता तुम्हारे पूर्वजों का भी अपमान है। तुम उदंडता करोगे समाज कहेगा अरे दुष्ट परिवार से होगा कोई, इसलिए दुष्टता और उदंडता मत करना। और मधुरता चुंबक है, परिश्रम विकास की चाबी है, अल्पाहार स्वस्थ रहने का साधन है, व्यायाम बीमारियों को निकालकर बाहर करने का उपाय है, हंसना स्वस्थ रहने का एक उपाय है, और प्रसन्न रहना स्मरण शक्ति को बढ़ाने का साधन है, टेंशन करना बदसूरत और बीमार होने का कारण है, अब बैठे रहना बीमारी को अंदर बिठाने का उपाय है। इसलिए हिलो डोलो चलो फिरो और अल्पाहार करो, प्रसन्न भी रहो, वफादार ईमानदार बनो, मेहनत भी करो, अपने घर में प्रेम से रहना सीखो, किसी के बहकावे में मत लगो। पास पड़ोस की कोई महिलाएं आकर के तुमको बहकाएं, खुसर फुसर करें, मत लगना। कई कई मंथरा के बहकाव में आ गई थी तो उसे राण होना पड़ा, तुम बहकाव में आ जाओगी तुमको भी कुछ करना तो पड़ेगा ही, गड़बड़ होगा, इसलिए बहकाव मत आना। किसी के भरवाने से भ्रमित मत होइए, हर वक्त लगन में मगन रहो, हर वक्त भजन में मगन रहो, अब सुबह हुआ फिर शाम नहीं, अखंड भक्ति को श्रद्धा को विचलित मत होने दो, सत्संग में डुबकी लगाओ, जितना समय मिले प्रवचन सुनते रहो, और समय और श्रम और धन और अन्न और वस्त्र जिस संस्था से धर्मार्थ हो रहा हो, परमार्थ हो रहा हो, समाज सुधार हो रहा हो, वहां ये चीजें अनुदान के रूप में समर्पित भी करो। सुलोचना देवी यहां पड़ोस में रहती ब्रजेश कुमार की पत्नी, एक दिन यहां हलवा बना कर लाई थी कि हम भी प्रसाद बांटेंगे हलवा का। कितनी दूर दूर बैठे हुए भक्तगण अपनी सेवा राशि भेज करके यहां प्रसाद भी वितरण कराते हैं और भंडारा भी कर रहे हैं। आश्रम किसी एक का नहीं होता है, आश्रम अनेक का होता है, अनेक लोग सेवा करते हैं और अनेक लोगों का वहां कल्याण होता है। आश्रम तो विश्व कल्याण का केंद्र होता है। हमारा
धर्म हो सेवा हमारा, कर्म हो सेवा हमारा, गाइए सब गाइए, हो सेवा हमारा, कर्म 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 हो सेवा हमारा, धर्म हो सेवा हमारा, कर्म हो सेवा। स्वार्थ के लिए सुबह से शाम तक तुम दौड़ते हो, कभी स्वार्थ छोड़ करके परमार्थ के लिए एक कदम चलना, फिर देखना जिंदगी में कितना सुख मिलेगा। निस्वार्थ भाव से किसी को हेल्प करना तो आपकी शक्तियां जागृत हो जाएंगी, महान बनोगे तुम। हमारा धर्म हो सेवा हमारा, कर्म हो सेवा हमारा, धर्म हो सेवा हमारा, कर्म हो सेवा। सदा सत्संगियों में मिल, हमें सेवक बना जाना। सेवा मिले तो कहाँ मिले, सत्संगियों में मिले। किसी सत्संगी भाई बहन को चाय पिलाने की सेवा मिल जाए, उसका बिस्तर बिछाने की सेवा मिल जाए, पानी पिलाने की सेवा मिल जाए, भोजन खिलाने की सेवा मिल जाए, बस वो सेवा मैं चाहता हूँ, इस सत्संगियों की सेवा। सदा सत्संगियों में मिल, हमें सेवक बना जाना। महेंद्र सिंह भंगू 1400 एकड़ के फार्म का मालिक, हमें सेवक बना जाना। लखीमपुर खीरी पहाड़पुर के सत्संग में आया, सत्संग सुना, सुनने के बाद बोला, बेटा कनाडा जा रहा है, गुरुदेव आशीर्वाद दीजिए। मैं तो कभी उसको मिला ही नहीं था, जानता नहीं था। मैंने कहा क्या नाम, बोले भंगू फार्म से आया, महेंद्र सिंह भंगू। मैंने कहा कितना बड़ा फार्म, बोले 1400 एकड़। मैंने कहा भंगू पहली बार सुना इतना बड़ा फार्म तुम्हारा। बोले आश्रम आऊँगा कल आपके, बहुत दिन से ढूंढ रहा था तुम, आश्रम आया। मेरे आश्रम में लेटने बैठने की जगह नहीं था, भंगू का सब काम भंग कर दिया हमने। जमीन पे गद्दा बिछा दिया, उसी में लेटा था। रामधन यशपी यहाँ फर्श पर लेटे थे, रामधन यशपी वो फर्श पर। मेरे से बोले तुम अंदर चले जाओ गुरुदेव, थोड़ा लेट जाओ, थक गए। कोई ना बेड है ना तखत है, कुछ नहीं, आज के 4-6 साल पहले के बाद यशपी लेटा था। हमने कहा आप इतने सुख सुविधा से रहते हैं, यशपी हैं। अरे बोले लेटा रहूँगा, ये पर्दा लगवाना है, इसको ठीक से लगवा दूंगा। ये देखिए गुरु के पास। तो भंगू लेटा तो भंगू ने क्या कहा, चर्चा किया मेरे से, मैं भी वही था। बोला थोड़ा गुरुदेव लेट जाऊँ, थक गया। हमने कहा लेटो। बोले आप भी लेट जाओ गुरुदेव। तो मैंने कहा चलो लाभ बिछाता हूँ मैं भी, साथ ही भी लेट गया साधु। तो लेटे लेटे उसने बताया कि 1400 एकड़ का फार्म है, लेकिन गुरुदेव जब मैं आश्रम में जाता हूँ, गुरुद्वारे में जाता हूँ, वहाँ बातें नहीं करता हूँ, गप्पा नहीं मारता हूँ, वहाँ या तो बर्तन धुलूंगा, या पानी पिलाऊंगा, या प्रसाद बांटूंगा, या सबके चप्पल जूते सही सलामत लगाऊंगा, और जो बात करता है उसको मैं मना कर देता हूँ, तुम बात मत करो, बात करना घर में कर लेना, यहाँ सेवा करो, अपने हाथों से भी सेवा करो और यहाँ धन से भी सेवा करो, ये गुरुद्वारा है, आश्रम है, यहाँ पर सेवा के लिए हम आए हैं, यहाँ गप्पा मारने नहीं आए। और वो व्यक्ति सेवा में देखा मैंने उसको, बोला इसी सेवा के पुण्य से ही हमारा इतना विकास हो गया है, सब आनंद है गुरुदेव। हमारा धर्म हो सेवा। जब तुम किसी की सेवा करते हो निस्वार्थ भाव से, सत्संगी भाई बहन की सेवा करने से 1000 गुना ज्यादा पुण्य मिलता है, संसारी की सेवा करने से भी
बहुत पुण्य मिलता है। गाय की सेवा करने से 10 गुना पुण्य मिलता है और चिड़ियों की सुरक्षा करने से, उनकी सेवा करने से भी 5 गुना पुण्य मिलता है और किसी संत की सेवा करने से 1000 गुना पुण्य मिलता है, गुरु की सेवा करने से 1,00,000 गुना पुण्य मिलता है। और याद रखना, कोई सत्संगी भक्त की सेवा करने से आपकी मनोकामनाएं पूरी होने लग जाती है, उसकी सेवा करो। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा। ताली बजा कर गाइए, भाव से गाइए, प्रसन्न होकर गाइए। सेवा हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, सत संगियों में मिल, हमें सेवक बना जाना। सदा सत संगियों में मिल, हमें सेवक बना जाना। हमारे ध्यान में आकर आरती रेडी करो, चालू करो आरती, बसे जाना प्रभु जी आँखों में, बसे जाना गुरु जी आँखों में, बसे जाना प्रभु जी आँखों में, बसे जाना गुरु जी आँखों में, बसे जाना। अरब खरब लो द्रव्य हो, राज भक्ति महात्म ना तुले, सब कौने काज। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग ना पावही प्राणी। स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग ना पावहि प्राणी। बोलिए सद्गुरु भगवान की।